गाइस नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ आई वाज सो हैप्पी। और एक्चुअली मैं तो ये आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है, बट उसी के साथ ये फेज ना बहुत सारी चैलेंजेस को ला देता है। जैसे मेरे ब्रा मुझे फिट नहीं हो रहे थे, मेरा साइज अप हो गया था, मेरे जो ड्रेसेस है जो मैं घर में पहनती थी तो वो सब टाइट हो रहे थे, तो घर में पहनने वाले ऐसे ड्रेस मुझे चाहिए थे जो कि कम्फर्टेबल हो, क्योंकि ब्रास थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। मैटरनिटी ड्रेसेस जो होती है, नाइट ड्रेसेस जो होती है, वो भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैं कुछ ऐसी ड्रेसेस खरीदना चाहती थी, ऐसी ब्रास खरीदना चाहती थी जो मैं अभी भी पहन सकूं, बच्चा होने के बाद भी पहन सकूं, जब मैं ब्रेस्ट फीड करूं तब भी पहन सकूं, एंड जो मेरा इन्वेस्टमेंट वेस्ट ना हो, क्योंकि मैंने पहले भी क्लोविया की वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं। इस बार मैंने सोचा कि ट्रिनिटी में भी मैं उनके कलेक्शन को ही चूज करूं, क्योंकि ये ट्रस्ट वर्थी ब्रांड है, मैंने यूज किया हुआ है, कम्फर्ट लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, तो वो ध्यान में रखते हुए मैंने क्लोविया के प्रोडक्ट्स चूज किए जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और गाइस अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड जो कि है SAM10 यानी SAM10 यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी वेबसाइट में क्लोविया के डिस्काउंट है उसके साथ, तो डेफिनेटली आप यूज कर लीजिएगा मेरा डिस्काउंट कोड। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक और डिस्काउंट कोड का नाम मेंशन कर दूंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रा के साथ। तो प्रेगनेंसी में और उसके बाद भी आप जब भी ब्रा खरीदो आपको दो तीन चीजों का ध्यान हमेशा रखना है। फर्स्ट इज कम्फर्ट, सेकेंड इज आपका साइज। साइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद जब आप ब्रेस्ट फीड करते हो तब भी आपका साइज जो है वो अप हो जाता है। एंड द थर्ड थिंग इज के आप जिस पर्पस के लिए उस ब्रा को खरीद रहे हो वो पर्पस आपका सर्व करता है कि नहीं। जैसे कि फीडिंग ब्रास जो होती है वो फीडिंग के लिए अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप इजीली फीड कर सको अपने बच्चे को। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये फर्स्ट ब्रा जो खरीदा है ये है क्लोविया का रेगुलर टी शर्ट ब्रा। ये नॉन पैडेड वेयर फ्री है, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल ब्रास चाहिए थे, बट ये एक साइज अप है, जो मेरा नॉर्मल साइज है उससे एक साइज अप है। तो ये वाले ब्रा न्यूड कलर का जो ब्रा होता है वो हर एक ड्रेस के साथ बहुत ही इजीली चला जाता है, और ये नॉन डिटैचेबल स्ट्रैप्स के साथ आता है, बट दिस इज सच अ कंफर्ट। ये मैं हमेशा पहन सकती हूँ, मतलब अभी तो पहन ही सकती हूँ, इनफैक्ट बेबी होने के बाद भी पहन सकती हूँ। नेक्स्ट मैंने ना क्लोविया के फीडिंग ब्रास खरीदे हैं, क्योंकि फीडिंग ब्रास आपको भी पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी कुछ ही महीनों में मेरे लिए, तो इसी वजह से ये वाले जो ब्रास है ये ऐसे ना ऐसे टैप करके आप खोलते हो, और ऐसे यहाँ से आप As you can see, you can feed your child, आप अपने बच्चे को यहाँ से पिला सकते हो दूध, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा ऐसा होल किया हुआ रहता है। दिस इज वेरी कन्वीनियंट, वेरी यूजफुल। वाला भी मैंने एक साइज अप में खरीदा है, क्योंकि जब आप ब्रेस्ट फिट करते हो तब आपका साइज एक साइज अप हो जाता है, एंड वैसे भी आप इसे यूज कर सकते हो, बिकॉज एज यू कैन सी दिस इज लाइक दिस कम्फर्टेबल है। मैंने ऑलरेडी पहन के देखा हुआ है, क्योंकि अभी मैं इसे यूज नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए अभी ये इंटैक ही रहेगा, जब मैं फीड करूंगी तब मैं यूज करूंगी, और मैंने पहले से ही खरीद के रख लिया है ताकि तब मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने एक और फीडिंग ब्रा खरीदा है, वो वाला था न्यूड कलर में, ये वाला है व्हाइट कलर में, और ये भी सेम ऐसे दोनों ही साइड से आप ऐसे ऐसे खोल सकते हो, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो मैंने दो खरीद के रखा है, बिकॉज यू नेवर नो कब क्या हो जाए, तो दिस इज अनदर वन। मैं जो साइजेस है ना ब्रास की वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एंड साइजेस और नाम सब कुछ मेंशन कर दूंगी, आप अच्छे से वहां पे चेक कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि जो प्रेगनेंसी के दौरान ना एक मैटरनिटी पैंट्स जो होती है वो होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है करता है आपके बेली को सपोर्ट करता है। मुझे पहले नहीं लगा था कि मैं ये चीज खरीदूंगी, बट अभी मुझे लगता है कि मैंने बेस्ट इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि बेली कभी कभी ऐसे ऐसे हो जाती है, मतलब अप डाउन हो जाता है, तो मुझे ये डर लगने लगता है। सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप इस तरह के मैटरनिटी जो पैंट्स है ये खरीद सकते हो, क्योंकि आप देखो ये थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पे आपको बेली में फुल सपोर्ट मिलेगा इस साइड से, तो दिस सॉर्ट ऑफ पैंट्स आर आल्सो एक्सीलेंट। और मैंने थोड़ा सा साइज बड़ा ही खरीदा है, मेरी बेली भी अभी बड़ी है, ताकि मेरी बेली को ये प्रॉपरली सपोर्ट दे और मुझे अनकंफर्टेबलनेस महसूस ना हो। स्ट्रेचेबल तो है ही, बट इतना ज्यादा सॉफ्ट एंड अच्छा है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि मटेरियल बहुत मैटर करता है, क्योंकि इस टाइम पे जो इन्फेक्शन वगैरह होती है स्पेशली वजाइनल इन्फेक्शन वो ज्यादा होने की चांसेस है, तो इसीलिए इन सारी ही पैंटीज की जो क्वालिटी है आप देखो, इट्स सो गुड, सो ब्रीदेबल, एंड दिस आर ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल इन प्रेगनेंसी, इनफैक्ट आफ्टर प्रेगनेंसी भी। अभी ना आपको मैं अपना फेवरेट ब्रा दिखाती हूँ, ये है तो वैसे फीडिंग ब्रा, बट कैन यू सी हाउ सेक्सी दिस ब्रा इज। और इसका एक जो बेनिफिट है जो मुझे लगा वो है, आप इसको ऐसे सेम तरह से खोलोगे, सेम वे में आप खोलोगे, बट
देन यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स हियर. वो जो थोड़ा राउंड कवरेज था वो यहाँ पे नहीं है, तो इसका ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा अच्छा है बिकॉज आप डायरेक्टली अपने बच्चे को खिला सकते हो, तो कोई यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होगा. तो प्लस ये पैडेड है, तो अगर आपका कोई मिल्क लीकेज भी हो रहा है तो आपके जो ड्रेस है, बाहर वाला जो ड्रेस आप पहनोगे उसको ये गीला नहीं करेगा. प्लस ये पार्टी वेयर टाइप का है, एकदम ब्रालेट जैसा फिनिश है इसका. तो मैं तो आपको बोलूंगी अगर आप उस टाइप के नहीं खरीदना चाहते हो तो इस टाइप के एटलीस्ट दो खरीद के रखो. नेक्स्ट वाला जो है ये वाला है, ये व्हाइट कलर का है, ये भी पैडेड है बट ये फैंसी नहीं है. दिस इज फॉर रेगुलर यूजेस, डेली पर्पज में आप यूज कर सकते हो. ये भी सेम, जस्ट देखो आपने जस्ट खोला एंड जस्ट went out, like इतना easy है ये. अगर आपको feeding bra चाहिए definitely give it a try. दोनों side से ये open होता है and इतना convenient है. Next वाला है, ये भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है because इसका जो design है इतना versatile है. अभी भी मैं पहन सकती हूँ, बाद में भी पहन सकती हूँ, जब मैं feeding नहीं भी कराऊँ. ये जो bras है ना, ये इतना easy to use है. Just आप यहाँ से हटाओ and you can just feed your child. और अगर आप right side से करवाना चाहते हो तो just यहाँ से हटाओ and you can feed your child. This is like so convenient. You can just see how convenient it is. पीछे से आप देखो सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि तभी आपको ज्यादा सपोर्ट की भी जरूरत होगी, आई मीन आपके ब्रेस्ट को. तो इसलिए ये तीन वाला हुक है, स्पोर्ट्स ब्रा जैसा टाइप है, वेरी वेरी कंफर्टेबल. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लंज मैटरनिटी ब्रा है ये. तो अगर आप थोड़ा सा डीप नेक पहनते हो, प्रेगनेंसी के बाद भी हमें तो सेक्सी लगने का हक होता ही है ना, तो आप सेक्सी लगने के साथ साथ ही अपने बच्चे को भी फीड कर सकते हो बिकॉज ये टोटली ओपनेबल है. इसका कलर मुझे काफी ज्यादा पसंद है बिकॉज इतना स्पोर्टिंग कलर है, मुझे ऐसे कलर्स बहुत पसंद होते हैं. एंड ये बहुत कंफर्टेबल है, इसमें कोई पैडिंग नहीं है. ब्रास की बात तो हो गई बट फीडिंग कराने के टाइम ऐसे कपड़े भी तो पहनने चाहिए ना जो कंफर्टेबल हो. इनफैक्ट प्रेगनेंसी के थ्रू आउट ही ऐसे कपड़े पहने जो कि कंफर्टेबल हो. इसलिए मेरे पास कुछ नाइट वेयर के भी ऑप्शन है, इनमें से कुछ कपड़े को पहन के आप बाहर घूमने भी जा सकते. पहले तो मैं बेसिक चीजें आपको दिखा देती हूँ. दिस इज अ बेसिक फीडिंग, पैटीज नहीं होती है, वैसे ही है बट इतना भी बेसिक नहीं है बिकॉज यहाँ पे चेन है. सो और इतना बड़ा जगह है सो दैट यू कैन फीड योर चाइल्ड, आप अपने बच्चे को आराम से खिला पिला सको यहाँ से. और दोनों ही साइड में है सो दैट्स मेक इट अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. डिलीवरी हुआ है उसके बाद ऐसे टाइप के कपड़े पहनना इज दी सेफेस्ट, क्योंकि इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही पैंट वैंट का झंझट होगा. दो तीन दिन तो वैसे भी कोई भी नहीं पहनना चाहता है, तो उस टाइम के लिए ये वाले जो ऑप्शन है बेस्ट है. इसका मटेरियल कॉटन है और क्योंकि हॉस्पिटल वाले भी आपको उस टाइम पे बोलेंगे कि एटलीस्ट टू गाउन्स आपके पास होने ही चाहिए जब आप हॉस्पिटल में रहोगे, तो इसलिए मैंने दो गाउन्स मंगवाई है. और नेक्स्ट वाला जो है ये भी ऐसा ही है बट दिस इज अ डिफरेंट कलर, और इसका जो पैटर्न है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है. जैसा आप देख सकते हो दिस इज लाइक दिस, ऐसा है. तो इसके अंदर ये जो एक एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अंदर यू सी देयर इज अ चेन. दोनों ही साइड में ये चेन है तो आप आराम से फीड कर सकते हो अपने बेबी को. और जो चेन का जो ये जगह दिया हुआ है ना, ये आराम से आप फीडिंग के लिए अप्रोप्रिएट है. तो दोनों साइड में दिया हुआ है, तो इसलिए क्या होता है कि आप जिस साइड में जब फीड करना चाहते हो उस साइड में तब कर सकते हो. नेक्स्ट जो नाइट वेयर है, ये नाइट वेयर कम और एक टू पीस ज्यादा बोल सकते हो. दिस इज सो ब्यूटीफुल. ये वाला एक फुल स्लीव है, मैंने थोड़ा सा साइज जो है बड़ा ही लिया है अपने लिए, क्योंकि एंटी फिट होने से भी मैं पहन सकती हूँ बट अगर छोटा हो जाए तब मैं नहीं पहन सकती. इसका जो मटेरियल है काफी सॉफ्ट है, बहुत ही सुंदर फ्लोरल मरून के ऊपर काम है. तो और टू पीस से एक और चीज होता है, क्योंकि नीचे पैंट रहती है ना, तो आप आराम से जो ऊपर वाला है उसको उठा के अपने बेबी को फीड कर सकते हो वेन एवर यू वॉन्ट. तो वो एक रीजन है, कोई चेन नहीं होने के बाद भी आप इसको आराम से यूज कर सकते हो. नेक्स्ट ये वाला ब्लू पोलका डॉट्स वाला ड्रेस, ये एक मिडी लेंथ वाला ड्रेस है और इसके भी दोनों साइड पे चेन दिया हुआ है ताकि आप इजीली अपने बच्चे को फीड कर पाओ. एंड दिस हैज रफल जिससे वो चेन जो है ना वो ढक जाए और पता ही ना चले. तो अगर आप नॉर्मली इसे पहन रहे हो ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी और आफ्टर योर प्रेगनेंसी तो इससे इतना पता नहीं चलता कि नर्सिंग मैटरनिटी ड्रेस है, बट अगर आप इसको बच्चे को फीड कराने के टाइम पहन रहे हो तो कंफर्टेबली आप अपने बच्चे को फीड भी करा सकते हो और उससे स्टाइलिश भी लुक मिलेगा आपको. और इसे आप घर में भी पहन सकते हो, बाहर भी पहन सकते हो, एज बिकॉज इट्स सो कंफर्टेबल एंड सो गुड लुकिंग. सो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस वन एज वेल. मटेरियल भी इसका काफ़ी अच्छा है.
एंड जो लाज वाला ड्रेस है ये मैरून पोलका डॉट ड्रेस है, ये शॉर्ट स्लीव वाला ड्रेस है क्योंकि मैंने बहुत सारे फुल स्लीव ले लिए थे तो इसीलिए ये वाला है। ये भी मिडी लेंथ वाला ड्रेस ही है। ये इससे आप फीडिंग नहीं करा सकते हो, मतलब आपको करा सकते हो बट वो सामने अगर चेन वेन होता तो ईजिली हो जाता, इसमें वो चेन वेन नहीं है। दिस इज़ परफेक्ट अगर आप हॉस्पिटल से घर आ रहे हो या फिर आप प्रेगनेंसी के दौरान और या फिर उसके बाद आप कोई ड्रेस पहन के बाहर जाना चाहते हो उसके लिए परफेक्ट है। वैसे तो ये नाइट ड्रेसेस है बट सारी ही ड्रेसेस जैसा आप देख सकते हो आप घर में भी पहन सकते हो बाहर भी पहन सकते हो, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये वेरी गुड इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ मैटरनिटी ड्रेस या फिर नर्सिंग ड्रेस के हिसाब से सिर्फ ये एक कॉर्नर पर नहीं रह जाती, एक कॉलम पर नहीं रह जाती, बल्कि ये आप डिफरेंट पर्पज़ पर भी यूज़ कर सकते हो। ये ड्रेस भी बहुत कम्फर्टेबल है, मटेरियल काफ़ी अच्छा है और आप देखो लुक भी अच्छा ही देता है। तो डेफिनेटली दिस इज़ अनदर ऑन माय लिस्ट एंड द लास्ट वन। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। सारी जो ड्रेसेस हैं एंड ब्राज हैं मुझे तो काफ़ी पसंद आई और कंफर्टेबल भी है। अगर आपको भी पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर लेना, सबका लिंक मैं दे दूंगी। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Stay blessed.